असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के स्टेटमेंट देखते हैं इफ़ एज़ इक्स टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्स टू दिस फाइंड थ्री ए माइनस टू बी फर्स्ट पार्ट है कि हमें थ्री ए माइनस टू बी फाइंड करना है एंड इन सेकेंड पार्ट टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से फेयर आई आई डाउन मेटिसिस एंड बी नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्री ए माइनस टू बी थ्री ए हमारे पास मेटिक्स क्या है उसकी वैल्यू लिखते हैं वन माइनस टू थ्री फोर वन माइनस टू थ्री फोर उसके बाद माइनस सब्टशन का टू मेटिस की फिर टू और बी बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है ज़ीरो सेवन माइनस थ्री एट ज़ीरो सेवन माइनस थ्री एट करना क्या है हमें एक ए मैट्रिक्स था जिसको थ्री नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है एक बी मैट्रिक्स है जिसको टू से मल्टीप्लाई करवाना है ठीक है फिर जो इसका सोल्यूशन आएगा और इसका उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है ठीक हो गया ये थ्री और टू दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे ए मैट्रिक्स की हर एंट्री को थ्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे और बी मैट्रिक्स की हर एंट्री को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू टू सिक्स माइनस प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ये मेरे पास आ गया थ्री ए मैट्रिक्स उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना है टू को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से ठीक हो गया कैसे करेंगे टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो टू इंटू सेवन फोटीन टू इंटू थ्री सिक्स माइनस प्लस माइनस ये जो माइनस है ना ये ये इसका मतलब ये नहीं कि टू नेगेटिव है ये सब ट्रैक्शन है ठीक है इस मैट्रिक्स से और इस मैट्रिक्स से जब ये इनका सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे ठीक है ना टू यहाँ पॉजिटिव नंबर है फिर टू इंटू एट टू एट्स आर सिक्सटीन ठीक है हमें यहाँ से टू पी मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट मिल गया अब क्या करना है हमें थ्री ए मैट्रिक्स जो तो मिला है और टू भी मैट्रिक्स इनकी सब्ट्रैक्शन करवानी है ठीक हो गया सब्ट्रैक्शन कैसे करवाएंगे जैसे एडिशन करवाते होते हैं ना क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं जब सब्ट्रैक्शन करवानी है तब भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ही सब्ट्रैक्ट करना है ठीक हो गया जैसे कि थ्री माइनस ज़ीरो क्या आएगा थ्री माइनस ज़ीरो फिर माइनस सिक्स माइनस तो माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन फिर नाइन माइनस माइनस प्लस नाइन प्लस सिक्स यहाँ आ जाएगा नाइन प्लस सिक्स फिर ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन ये हमारे पास आ गया इस और इस मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखते हैं क्या हमारे पास मैट्रिक्स बनता है थ्री माइनस जीरो थ्री फोर्टीन माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस ऑपरेशन कौन सा आएगा प्लस का और यहाँ प्लस और माइनस में हमेशा साइन हम कौन सा देखते होते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है और बड़ी वैल्यू क्या है फोर्टीन है नेगेटिव क्या है नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे और ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा एडिशन का तो ये फोर्टीन और सिक्स बन जाते हैं ट्वेंटी यहाँ पे क्या है दोनों पॉजिटिव के हैं नाइन और सिक्स कितना बन जाएगा ये नाइन प्लस वन टेन और बाकी बच गया फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन ठीक हो गया हाँ जी अब यहाँ पे ये यह पॉजिटिव है ट्वेल्व और सिक्सटीन नेगेटिव का है ऑपोजिट साइन है तो ऑपरेशन कौन सा होगा नेगेटिव यानी बारह माइनस सोलह क्या आ जा जा जाएगा फोर और साइन कैसे हम यूज़ करते हैं हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन क्या है नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन ऑफ थ्री ए माइनस टू बी ठीक हो गया अब हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट ये हमारे पास है सेकेंड पार्ट ठीक है टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज करेंगे अब इसका इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि टू फिर क्या है ए ए ट्रांसपोज ए जो मैट्रिक्स में फिलहाल यहाँ पे रख लेती हूँ ठीक है ना ए मैट्रिक्स क्या है वन माइनस टू थ्री फोर आ जाएगा वन माइनस टू थ्री फोर स्टेटमेंट को लेके हमने मतलब सॉल्व करना है अब इसका क्या है ट्रांसपोज लेना है तो ए मैट्रिक्स का यहाँ पे लगा देते हैं ट्रांसपोज लेना है फिर माइनस थ्री है बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जीरो सेवन माइनस थ्री एट जीरो सेवन माइनस थ्री एट अब इसका भी क्या लेना था हमें मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेना है क्लियर अब इसको करते हैं सोर so, टू अब हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई कर दे नहीं टू मल्टीप्लाई हो रहा है ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसके साथ टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे ठीक हो गया पहले इसका ट्रांसपोज देन वी विल मल्टीप्लाई द दिस मैट्रिक्स विद टू हाँ जी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं by changing rows into columns कॉलम्स वन माइनस टू थ्री फोर को भी कॉलम बना देंगे ऐसे ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए अब इसी तरह यहाँ भी ले, ले लेते हैं बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जीरो सेवन एक रो है ये बन जाएगी यहाँ पे कॉलम माइनस थ्री एट भी एक रो है ये भी एक बन जाएगा कॉलम ठीक हो गया ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज आ गया अब यहाँ पे जैसे अब देखें ए ट्रांसपोज मिल गया ना अब इसको टू से मल्टीप्लाई करवाएं इसी तरह बी ट्रांसपोज मिल गया उसको थ्री से मल्टीप्लाई करवाए केस अब यही नहीं बन गया वैसे हमने यहाँ पे किया वही चीज़ नहीं बन गई सेम क्या किया था हमने टू को मल्टीप्लाई करवाया फिर थ्री को मल्टीप्लाई करवाया और फिर जो हमारे पास मैट्रिक्स निकले उनको सब ट्रैक्ट करवा दिया यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पे टू इंटू वन टू थ्री टू ज़ार सिक्स टू टू ज़ार फोर पर प्लस माइनस माइनस होंगे मल्टीप्लिकेशन में टू फोर ज़ार एट यहाँ हमें मिल गया टू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स फिर क्या करेंगे थ्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स से थ्री जीरो जीरो थ्री थ्री हजार नाइन प्लस ये थ्री प्लस का ये सब्टशन साइन है ठीक है प्लस माइनस माइनस सेवन थ्री हजार ट्वेंटी वन थ्री एट हजार ट्वेंटी फोर अब हमें मिल गया ये थ्री बी मैट्रिक्स भी अब क्या करना है इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है इस वाले से ठीक हो गया सब्ट्रैक्ट करवाते हैं कैसे बिल्कुल जैसे कि हमने यहाँ पे सबट्रैक्शन करवाई थी टू माइनस ज़ीरो टू माइनस ज़ीरो सिक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस नाइन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन एट माइनस ट्वेंटी फोर एट माइनस ट्वेंटी फोर साइंस के लिए आपने मेरी जो साइन वाली मैंने वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखिएगा अगर किसी को कन्फ्यूजन है साइंस में कि साइन किस तरह से यूज़ करते हैं फिर क्या ऑपरेशन लगाते हैं अगर जैसे यहाँ पे है यहाँ पे मतलब साइन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप अगर मेरी साइंटिक वाली वीडियो देख लें तो आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ठीक है टू माइनस ज़ीरो टू सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन और फोर ऑपरेशन यहाँ पर प्लस का आएगा तो याद ट्वेंटी फाइव और साइन का कौन सा यूज़ करेंगे नेगेटिव फिर ट्वेंटी फोर माइनस एट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा सिक्सटीन और साइन कौन सा यूज़ करेंगे माइनस का ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन ऑफ़ टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज क्वेश्चन सिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन सेवन की स्टेटमेंट है कि अगर इस साइड का सोल्यूशन जो भी मैट्रिक्स आएगा सोल्यूशन मैट्रिक्स वो बराबर है इस मैट्रिक्स के तो आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं ए और पी की सबसे पहले तो हमें क्या करना है इस मैट्रिक्स को टू तो से मल्टीप्लाई करवाना है और इस वाले मैट्रिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कराना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स में किया है बिल्कुल सिंपली वैसे ही मल्टीप्लाई करवा देंगे क्या आएगा टू तो को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगी अगर मैं तो चूँकि हमने मतलब लास्ट जो है क्वेश्चन सिक्स में पढ़ लिया किस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मैंने इस तरह मल्टीप्लाई करवा दिया देखिए ज़रा टू टू ज़ार फोर फोर टू जार एट थ्री टू ज़ार सिक्स प्लस माइनस माइनस अब ए जो है ना वे एक कांस्टेंट नंबर है हमें नहीं पता कि मतलब यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है तो इसको वैसे ही जैसे ए है ना इसी शक्ल में रखेंगे टू ए ठीक है इसी तरह थ्री वन जो थ्री थ्री टू बी थ्री बी आ जाएगा एट थ्री हज़ार ट्वेंटी फोर और फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस ठीक हो गया और ये हमने साइड एज इट इज़ फिलहाल रखी है अब क्या करना है इन दो मैट्रिक्स को ऐड करवाना है ऐड करवाते हैं देखते हैं क्या मैट्रिक्स निकलता है जब मैंने इन दो मेट को ऐड करवाया तो मुझे मिला फोर प्लस थ्री सेवन एट प्लस थ्री बी इसको फिलहाल ऐसी रखें क्योंकि हमें नहीं पता कि बी की क्या वैल्यू है तो ये ऐसे आएगा स्टेटमेंट की शक्ल में फिर माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में से सिक्स माइनस किया तो एटीन उसके बाद टू ए प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व आ जाएगा ठीक हो गया अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है अब क्या मैट्रिक्स या क्या इक्वेशन बन रही है बच्चों आप अगर कुछ याद करें तो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर जो फोर था क्या हमने उसमें इसी तरह का क्वेश्चन नहीं किया था कि अगर दो मैट्रिक जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो इक्वल हैं तो फिर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी ए बी सी और डी की तो हमने क्या किया था हमने इक्वेशन में हमने कहा था कि अगर इस ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जो कि वो सेम है फिर दूसरी बात हमने कही थी कि इनकी जो एंटीज़म वो भी एक दूसरे के होंगी अगर हैं तो इसका मतलब है हमने उनको लेट कर लिया कि ये तो इक्वल है इक्वेशन बना दी अब फर्स्ट वाला सेवन जो है वो सेवन के इक्वल है ना इसका मतलब है कि ये वाला जो इसका एलिमेंट होगा फिर वो किसके इक्वल होगा टेन के तो फिर यहाँ ने कहा कि एट प्लस थ्री में जी टेन है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन बन गई फिर एटीन एटीन की इक्वल है तो इसी तरह पे टू है माइनस ट्वेल्व उसकी क्रॉस कोर्टिंग एंट्री वन के इक्वल होगा अब हमारे पास ना यहाँ दो इक्वेशन बन गई हैं इन दोनों को सोल्व करते हुए हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ठीक है इक्वेशन वन से स्टार्ट करते हैं बताएँ यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं सिर्फ़ एक बी है अगर हमारी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है तो हम उसकी वैल्यू वैल्यू है बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसको सोल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं बी की हाँ जी ये हमने ले ली इक्वेशन के अगर एट प्लस थ्री बी जिकोस तो टू टेन है तो इसका मतलब है कि एट यहाँ प्लस हो रहा है जाके माइनस हो जाएगा थ्री बिकोज तो टू टेन माइनस एट आ गया टेन माइनस एट किया तो टू आ गया बी की हमें वैल्यू चाहिए थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड तो इस तरह से हमने इक्वेशन वन सोल्व की तो हमें बी की वैल्यू मिल गई है अब इक्वेशन टू सोल्व करते हैं जब इक्वेशन टू को सोल्व किया तो टू ए माइनस टू वन था यहाँ पे ट्वेल्व माइनस हो रहा है इधर प्लस हो जाएगा तो टू ए जीवस टू वन प्लस ट्वेल्व आ गया वन प्लस ट्वेल्व क्या होता है थर्टीन ए की वैल्यू फाइंड करनी थी टू इधर मल्टीप्लाई रहा था इधर हमने डिवाइड करवाया तो हमें ए वैल्यू ए वेरिएबल की वैल्यू भी मिल गई तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेवन भी सोल्व हो गया है यहाँ पे उन्होंने ना यहाँ हमें कहा नहीं है कि वेरीफाई करना है लेकिन अगर आप अपनी तसली के लिए देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ही ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के को आ रहा था यानी कि इसकी ये वाली एंट्री इसकी एंट्री के को आ रही थी तो आप इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ भी टेन ही आएगा अगर आप यहाँ बी की वैल्यू पुट करते हैं कैसे भाई टू बाई थ्री है बी कल टू बाई थ्री पुट की थ्री थ्री से कैंसिल हो गया यहाँ टू बच गया तो एट प्लस टू क्या होता है टेन ही होता है ना इसी तरह एक के वाले अगर आप पुट करेंगे तो वो भी इसका सोल्यूशन वन ही निकलेगा तो फिर ये जो है इक्वालिटी की यानी कि जो स्टेटमेंट थी इनकी वो सेटिस्फाई ही करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन भी कम्प्लीट हो गया है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्वेश्चन सिक्स भी सेवन भी नेक्स्ट वीडियो में हम इनशाला अगले क्वेश्चन करेंगे तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़